क्या आप जानते हैं इंडिया में हर चार में से एक इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या उसके सिम्टम्स से सफर करता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ है और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आप भी काफी बार उदास फील करते हैं? आपको अकेलापन महसूस होता है, कुछ खाने का मन नहीं होता है, किसी से मिलने का मन नहीं होता, काफी सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में और कई बार तो थॉट्स क्या है यही समझ नहीं आता। फ्रेंड्स, वैसे तो कहते हैं कि किसी से कुछ भी उम्मीद करना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना ही दुख का कारण होता है, लेकिन हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक फैमिली का पार्ट है, एक फ्रेंड सर्कल में है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी से कुछ उम्मीद ही ना रखें। और उसके अलावा भी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सोसाइटी प्रॉब्लम्स, सेल्फ आइसोलेशन और न जाने कितने इश्यूज हैं जो हमें हर दिन स्ट्रेस फील कराते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? कहते हैं अ सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज लेटिंग एवरी सिचुएशन बी व्हाट इट इज इंस्टेड ऑफ व्हाट यू थिंक इट शुड। सॉल्यूशन है सबसे पहले ये समझना कि लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होता। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके अकॉर्डिंग नहीं होता। हाँ, आप काफी हद तक अपनी लाइफ को अपने चॉइसेस, अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस से डायरेक्ट कर सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप हमेशा अपने लिए हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन लोगों का पॉजिटिव से मतलब होता है जैसा वो चाहते हैं वैसा। हो सकता है जो सिचुएशन या जो चैलेंज आपको अपने लिए पॉजिटिव नहीं लग सकता, वही आपकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज करने वाला हो। हमेशा याद रखिए, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। आपने देखा है कुछ लोग हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, उन्हें लगता है उनका लक खराब है। होता क्या है कि ये लोग अपने लिए एक आइडियल सिचुएशन का ग्राफ रेडी कर लेते हैं और कुछ भी अलग हो जाने पर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। बाद में ऐसा बार बार होने पर जब ये लोग मान ही लेते हैं कि इनकी किस्मत, इनका लक सच में ही खराब है, तो फिर ये हर सिचुएशन से एक नेगेटिव आउटकम एक्सपेक्ट। जबकि समझने वाली बात ये है कि आप लाइफ से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम एक्सपेक्ट ना करने के बजाय देखें कि लाइफ ने आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस रखे हैं और उन सरप्राइजेस को आप अपने लिए कितना अच्छा बना सकते हैं। आज हर इंसान किसी और की जिंदगी जीना चाहता है, किसी और के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को जानने में। जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी जिए, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें और प्यार करें अपने चैलेंजेस और अपने स्ट्रगल्स, क्योंकि वही तो हैं जो हमें और बेहतर बनाएंगे। ध्यान रखें, आप खुश तो सब।